हेलो गाइज, अगर फोटो एडिटिंग की बात करें तो आपने काफी एप्लीकेशन यूज किया होगा और काफी सारी वीडियो भी आप देखे होंगे यूट्यूब पे। लेकिन दोस्तों, आज की जिस एप्लीकेशन के बारे में मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में, वो एप्लीकेशन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, क्योंकि इसे एडिटिंग करने के बाद आपको कोई भी नहीं कहेगा कि ये फोटो एडिटेबल है, यानी कि इसकी एडिटिंग इतनी क्लियर है कि कोई देख के नहीं कह सकता कि ये फोटो आपने एडिट किया हुआ है। और फिल्टर की बात करें तो इसमें इतने सारे फिल्टर मिल जाते हैं जो कि अभी तक किसी भी एप्लीकेशन में देखा नहीं हूं, और इसीलिए एप्लीकेशन आपके लिए लेके आया हूं। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इमेजेस मैंने यहाँ पे एडिट किया है जो कि आपके सामने दिख रहा होगा। तो इस टाइप के आप एकदम जेन्युइन इमेजेस जनरेट कर सकते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं ये मस्ट इंपॉर्टेंट फ्री एप्लीकेशन के बारे में, तो बने रहिए इस वीडियो में। मैं आपका दोस्त आपका होस्ट मिस्टर खान और आप देख रहे हैं डिजिटल बियर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें अपने इस चैनल को इस रेड बटन पे क्लिक करके और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हर नई वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले। तो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है मोबाइल फोन में। तो चलिए प्ले स्टोर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको टाइप करना है AVTARS अवतार्स। टाइप करेंगे आपके पास ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैं इंस्टॉल कर रखा हूँ ऑलरेडी और मैं इसे यूज भी किया हूँ, तो आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। सिंपल वे में ओपन करेंगे तो एक दो परमिशन मांगेगा। यहाँ पे परमिशन इसलिए नहीं मांगा क्योंकि मैं इसे यूज कर रहा हूँ। तो गाइस, ओपन करते ही कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पे एक कैमरा का ऑप्शन है, दूसरा यहाँ पे ब्राउज का ऑप्शन है। अगर आप फोटो क्लिक करना चाहते हैं अभी तो आप कैमरा पे क्लिक कीजिए, अगर आपने फोटो क्लिक करके रखा है पहले से तो आपको ब्राउज पे क्लिक करना है। तो चलिए, मेरे पास फोटो है पहले से तो मैं ब्राउज पे क्लिक करता हूँ। तो चलिए मैं अपनी कोई एक फोटो ले लेता हूँ। चलिए इस फोटो को मैं ले लेता हूँ। और फोटो लेने के बाद यहाँ पे आपको क्रॉप करने का ऑप्शन मिलेगा। आप चाहे तो क्रॉप कर सकते हैं या फिर आप फुल स्क्रीन कर सकते हैं। चलिए मैं फुल स्क्रीन ही कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे चेक मार्क पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने आ जाता है एडिटिंग मोड। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, बहुत सारे एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे वो सारी कैटेगरी को आपको इंस्टॉल करना है। यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैं इस कैटेगरी पे क्लिक किया, यहाँ इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, इसमें क्लिक करूंगा। ये देखिए डाउनलोडिंग लिख रहा है, यानी ये फिल्टर ये इफेक्ट हमारे मोबाइल फोन में डाउनलोड हो रहा है, ये डाउनलोड हो गया। तो ऐसे करके आप इफेक्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, अलग अलग फिल्टर्स देखने को मिल जाएंगे। इतने फिल्टर्स दोस्तों अभी तक मैंने किसी एप्लीकेशन में नहीं देखी है। यकीन मानिए, अगर आप इसे इंस्टॉल कर लेते हैं, अगर इसे यूज करते हैं, तो इसके अलावा आपको कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी बेहतरीन बेहतरीन इसमें फिल्टर दी गई है। यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये देखिए रोबोटेक्स टाइप है फिल्टर यहाँ पे। और यहाँ पे अगर मैं इस फिल्टर पे क्लिक करता हूँ तो ये फिल्टर में देखिए कितने सारे फिल्टर आपको दिख रहे हैं। चलिए कोई एक फिल्टर लगाते हैं अपनी फोटो पे, ये देखिए। और यहां से इसको सेट कर लेना है अपने अकॉर्डिंग, बड़ा छोटा करके। ये देखिए, आप इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। चलिए मैं छोटा कर लेता हूँ इसको और इसको सेट कर लेते हैं थोड़ा। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने ये फिल्टर को लगा दिया है कितना बढ़िया तरीके से। और यहाँ पे टाइगर टाइप दिख रहा है, इसमें क्लिक कीजिए तो यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें मिल जाता है। यहाँ पे आप रोटेट कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके, ये देखिए ऐसे करके रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पे सेटिंग का सिंबल है, जब इसमें क्लिक करेंगे तो इस टाइप की आपकी सेटिंग देखने को मिलेगी, जिसमें आप ब्राइटनेस को कम ज्यादा कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट को कम ज्यादा कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे सेचुरेशन को कम ज्यादा कर सकते हैं। ये देखिए, और यहाँ पे ओपेसिटी को भी कम ज्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे इसकी सेटिंग कर लेंगे काफी अच्छे तरीके से। और ये देखिए कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। और फाइनली एडिटिंग करने के बाद आपको चेक मार्क पे क्लिक करना है, और एक बार और क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा आपकी गैलरी में। दोस्तों, यहाँ पे मैं सारी फिल्टर को तो अप्लाई करके नहीं दिखा सकता, अगर मैं दिखाता हूं तो काफी बड़ा हो जाता है ये वीडियो, लेकिन मैं इसमें एक दो फिल्टर को आपको ट्राई करके दिखाता हूँ। चलिए इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं। ये देखिए पगड़ी आ गया, कितना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं साधु संत हो गया हूँ। और यहाँ पे ऐसे करके ये फिल्टर को आप ऐड कर सकते हैं और इसमें और भी अच्छे तरीके से एडिटिंग कर सकते हैं। ये देखिए, और इतना करने के बाद इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप इसे रोटेट वगैरह करके सेट भी कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। ये देखिए कितना बेटर लग रहा है। यहाँ पे और भी बहुत सारे आपको फिल्टर देखने को मिल जाएंगे। अगर ये कैप को लगाना है तो चलिए पहले से मैं हटा देता हूँ और कैप पे क्लिक करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे कैप भी लग गया और इसे अपने अकॉर्डिंग सेट करना है, यानी जिस तरीके से आप करना चाहते हैं उस तरीके से आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं आपको जो बेटर लगे। और एडिटिंग कंप्लीट होने के बाद यहाँ चेक मार्क पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका सेव हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे फिर आपको चेक पे क्लिक करना है और ये आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। ये देखिए हो रहा है सेव। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके जाना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी एंड एप्लीकेशन रिव्यू आपको मिलता रहे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, एंड हैव अ नाइस डे।